ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओ तेरी, ओ भाई कितनी तेजी से याद। गाइस मैं हुरान, आज की वीडियो में बहुत ज्यादा धूम मचाने वाले हैं क्योंकि मेरे पास कुछ अलग तरीके की आरसी स्पेशल व्हीकल्स आ चुकी है। यहाँ पे देखो गाइस, इसको बोलते हैं मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर रिमोट कंट्रोल पुलिस कार। आप इसको एक कैदियों को लेके जाने वाली वैन भी बोल सकते हो। भाई दिखने में काफी ज्यादा ये अलग दिखाई दे रही है, कम्प्लीटली ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार है। आज मेरे पास देखो कमर्शियल व्हीकल्स भी है, साथ में इमरजेंसी व्हीकल्स भी है, वो भी एक बार दिखा देता हूँ। जैसे की ये भी एक कमर्शियल आरसी कार आप बोल सकते हो क्योंकि ये एक आरसी टैक्सी है, बहुत ही मस्त वाली टैक्सी यार, को बहुत ज्यादा मजा आने वाला। अब एक हमारे पास छोटा टाटा हाथी भी है, ये भी आप कमर्शियल व्हीकल बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। ये ऊपर के जो पार्ट्स हैं मैंने सारे इसके खोल लिए क्योंकि आज इसके ऊपर मैं एक अलग कलर करने वाला हूँ। साथ में मेरे पास इमरजेंसी व्हीकल के लिए एक एम्बुलेंस भी है, दिखने में भाई पूरा का पूरा रियल एम्बुलेंस जैसा ये दिखाई देता है। तो आज इसकी भी फाइट कराएंगे हमारी पुलिस वैन के साथ। साथ में देखोगे ये है हमारा अशोक लेलैंड का ट्रक, ये पहले सिर्फ टू व्हील ड्राइव पे चलता था, अब मैंने इसको पूरी तरीके से चेंज करके फोर व्हील ड्राइव वाला ट्रक बना दिया है। अलग तरीके के टायर्स लगा दिए हैं, सस्पेंशन चेंज कर दिया है, नीचे का जो शाफ्ट है या फिर इसकी मोटर है या फिर इसका सर्वो है इसको मैंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। साथ में इसकी जो चैसिस है पुरानी वाली ही मैंने रखी है क्योंकि इसकी चैसिस बहुत ज्यादा मजबूत है पहले से ही। तो आज सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं हमारी पुलिस सिक्योरिटी वैन को। यहां से मैं इसको ओपन करने वाला हूं। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहां पे हमारी स्प्रिंटर व्हीकल, कैदियों को लेके जाने वाली वैन भी आप इसे बोल सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, काफ़ी डिफरेंट रिमोट है दूसरी कार्स के मुकाबले में। और ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, इसके साथ मेरे को मिली है 7.4 वोल्ट 600 mAh की लायन बैटरी, ये है बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर। एक स्पेशल चीज भी इसके साथ मेरे को मिली है, यहाँ पे देख रहे हो हमारी जो वैन है उसको चलाने के लिए एक पुलिस वाला भी हम लोगों को मिला है। ये भी एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। ओ भाई काफी मस्त है यार ये, देखो इसका हेड भी टर्न हो रहा है। यहाँ पे ये इस तरीके का वेपन भी है कैदियों की बैंड बजाने के लिए, साथ में यहाँ पे एक इसका और एक वेपन भी है, ये गन है, यहाँ से आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हो, देख रहे हो गाइस। अरे बाप रे काफी सही डिटेलिंग दी गई है यार, क्वालिटी सच में यार इसकी बहुत ज्यादा मस्त है। अब ये मर्सिडीज वैन बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि ऑफिशियल लाइसेंस होने के कारण इसके ऊपर काफी सारी डिटेलिंग दी गई है। सामने की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो लोगो है, यहाँ पे अंदर स्टीयरिंग है, सीट है, ऊपर की तरफ पुलिस की बत्ती है, पीछे की तरफ बहुत सारी चीजें दी गई है जैसे कि ये इसका पीछे का डोर है। अरे भाई कैबिन्स वगैरह है, बहुत सारी चीजें दी गई है, ऊपर की तरफ लाइट भी दी गई है, वो लाइट को हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं यानी कि उसको डिम भी कर सकते हैं और उसकी ब्राइटनेस बढ़ाई भी जा सकती है। ओके अब ये टैक्सी को मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। वैसे तो मेरे पास एक और टैक्सी भी है पर ये टैक्सी उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है और ये 2024 वाला मॉडल भी है। तो यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। ओ माई गॉड पीली टैक्सी आप इसे बोल सकते हो, इसको यहाँ पे रख देते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है। ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, ये इसका रिमोट कंट्रोलर है और ये इसका बड़ा सा चार्जर भी मिला है इसके साथ। अरे बाप रे कितना बड़ा चार्जर दिया यार इन लोगों ने। तो ओके गाइस ये रही हमारी सभी की सभी इमरजेंसी और कमर्शियल आरसी व्हीकल्स। तो एक एक करके इन सबको चलाएंगे, उससे पहले इसको हम लोग कलर करने वाले हैं। ओके दोस्तों इसके ऊपर मास्किंग टेप मैंने लगा दिया है, देखो इसके विंडोज कवर कर दिए हैं, विंडशील्ड कवर कर दिया है, साथ में टायर्स के ऊपर मैंने न्यूज़पेपर को चिपका दिया है। अब इसको मैं करने वाला हूँ ये वाला कलर, डीप येलो कलर करूंगा मैं हमारे छोटा हाथी के ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं शेक कर देता हूँ। ओके वाओ भाई इसका तो लुक ही चेंज हो चुका है यार पूरा, ये देखो। ओ माय गॉड सामने कर देते हैं अब कलर। ओ भाई काफी सही दिख रही है यार। तो एरिया है गुड्स कैरी करने का, इसके अंदर भी कलर कर देते हैं फटाफट। लग रही ना भाई एकदम चकाचक हमारी छोटा हाथी। ओके दोस्तों पेंट पूरी तरीके से सूख चुका है, अब ये जो मैंने इसके ऊपर चिपकाया है मास्किंग टेप इसको हटाने वाला हूँ मैं, पहले इसको हटा देते हैं। ओके विंडशील्ड तो काफ़ी सही तरीके से दिख रही है। और एक चीज़ गाइस इसके ऊपर जो फिटिंग्स वगैरह थी वो मैंने अभी तक नहीं लगाई है, वो भी लगा के बताऊँगा ना, फिर देखना ये एकदम चकाचक चमकेगी। अब अपना जो छोटा हाथी ट्रक है ये काफी ज्यादा अलग लग रहा है पहले के मुकाबले में।
भाई मेरे को नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा तगड़ा दिखाई देगा। अब इसको एक बार थोड़ा सा मैं आपको चला के भी दिखा रहा हूँ, ये एकदम तगड़े तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह कर सकता है। स्पीड की बात करूँ तो यार स्पीड तो इसके अंदर बहुत ज्यादा दी गई है। ये पुलिस वैन के अंदर भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये बटन मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ ऊपर की तरफ एक लाइट ऑन ऑफ हो रही है। इसका मतलब ये है कि अंदर की जो भी चीजें हैं क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। बाकी ये बटन दबाने पे यहाँ पे इसकी पुलिस की बत्ती जलने लग रही है, सामने भी है और पीछे की तरफ भी दी गई है। डोर्स को मैंने क्लोज कर दिया है, हॉर्न वगैरह भी इसके अंदर दिया गया है। स्टार्ट कर लेते हैं इसको, एक बार चला के भी दिखा देता हूँ। ये काफी ज्यादा बड़े इसकी है, रियल पुलिस वैन जैसी ही दिख रही है। मजा आ गया यार इसको तो मेरे को चला के। अब ये रही हमारी क्यूट सी एम्बुलेंस। अब इसके अंदर भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि इसके भी पीछे का डोर इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रेचर रखा हुआ है, ये स्ट्रेचर को हम लोग चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं। अंदर यहाँ पे भी बहुत सारे कैबिन्स वगैरह दिए गए हैं। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा मेरे को लग रही है गाइस। आप मॉडिफाइड अशोक लेलैंड ट्रक के अंदर क्या मेन फीचर्स है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि इसकी हाइट आप देख सकते हो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने नया सस्पेंशन लगाया है। इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है गाइस। हाँ तो गाइस यहाँ पे ट्रैक को मैंने रेडी कर लिया है और हमारी जो इमरजेंसी और कमर्शियल आरसी व्हीकल्स हैं यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इनके अंदर बैटरी मैंने लगा दी है तो हमारे ट्रैक की शुरुआत होती है यहाँ से। जो आरसी कार या फिर आरसी वैन है वो यहाँ से आकर ये खतरनाक से स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकलना होगा। यहाँ नीचे प्लास्टिक है, उसके ऊपर देखो मैंने हाइट पे इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों को रख दिया है। अगर हाइट कम होगी तो हमारी जो आरसी कार या फिर आरसी वैन है यहाँ पर आकर फंस भी सकती है। उसके बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है। ये मैंने थर्माकोल का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैक है, यहां से देख लो गाइस इस तरीके के मैंने स्पाइक्स यहां पे रख दिए हैं। कार के टायर्स इसके ऊपर जैसे ही आएंगे ना ये स्पाइक्स कार के टायर को एकदम से जकड़ने लगेंगे। अगर मान लो मोटर के अंदर ज्यादा पावर नहीं होगी ना तो यहां पर वो फंस के रह जाएगी। ये मैंने काफी दूर तक बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आकर ये खत्म होता है। अगर हमारी आरसी वैन यहां तक आ भी जाएगी ना तो उसको मैं और ज्यादा स्लो करने के लिए देखो उसके अंदर ये लोड डालने वाला हूं। ये इतने बड़े बड़े कंकर है मेरे पास, उनके अंदर ये कंकर रखकर ये ट्रैक के ऊपर मैं चलाने वाला हूँ। यहाँ से आकर उसको यहाँ से टर्न लेना होगा, फिर गाइस यहाँ से देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला ट्रैक स्टार्ट होगा। उनको आना होगा ये रबर के मैटिंग पे, उसके बाद इतना ढेर सारा वेट लेकर चढ़ाई करनी पड़ेगी ये रैंप के ऊपर से। चढ़ाई करने के बाद देखो अभी रैंप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऊँचा हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्टीप भी होते जा रहा है। यहाँ पे आकर देखो और ज्यादा ऊंचा हो चुका। फाइनली जो भी ये टेबल के ऊपर तक पहुंचेगा वो होगा आज के ट्रैक का चैंपियन। देखते हैं गाइस कौन यहाँ तक पहुंच पाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आरसी एम्बुलेंस को ये ट्रैक के ऊपर चलाने वाला हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओ तेरी भाई, ये तो ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकरों के ऊपर आकर रुक चुकी है पूरी तरीके से। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज्यादा कम होने के कारण ये बार बार यहाँ पर आकर फंस रही है। अब मेरे को नहीं लगता गाइस ये इससे ज्यादा दूर तक जा पाएगी। इसको हटाते हैं अभी साइड में, देखते हैं हमारी टैक्सी क्या ट्रैक के ऊपर से निकलेगी या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं, वीडियो लाइक जरूर से कर देना। ओ भाई काफी तेज है टैक्सी, ये यहाँ तक तो काफी आराम से पहुंच चुकी है। देखो ग्राउंड क्लीयरेंस इसका कम है, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसको आगे भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ना तो ये आगे जा रही है ना तो पीछे जा रही है। देखो अभी मैंने पावर बढ़ा दिया है तो यहाँ पर आकर ये रुक चुकी है। सामने वाले व्हील्स को तो स्पाइक ने पूरी तरीके से जकड़ रखा है, कम्प्लीटली यहाँ पे फंस गई है दोस्तों। अब ये आगे नहीं जा पा रही है तो अभी मेरे को इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब मैं आरसी पुलिस वैन को चलाने वाला हूँ ट्रैक के ऊपर, देखते हैं गाइस ये कितनी दूर तक ट्रैक के ऊपर चलती है। ओ भाई, अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये तो पहले ही फंस गई है यहाँ स्पीड ब्रेकरों के ऊपर। पीछे का व्हील तो घूम रहा है पर सामने का व्हील स्पाइक्स ने जकड़ लिया है पूरी तरीके से। अब इसको भी हटाते हैं गाइस। आज यार काफी मुश्किल ट्रैक बना है मेरे से। अब देखते हैं क्या हमारी येलो कलर वाली छोटा हाथी यहाँ से निकल पाएगी या फिर नहीं। छोटा हाथी ट्रक के अंदर एक बहुत पावरफुल मोटर दी गई है। अभी तक तो ये फर्स्ट गियर में चल रही थी, अब मैं इसको जैसे ही सेकंड गियर में डाला हूँ, ओ भाई कितनी तेजी से यहाँ तक ये पहुंच चुकी है यार। स्पाइक्स पे से भी निकल चुकी है फाइनली। अब इसके अंदर मैं बहुत सारा लोड डालने वाला हूँ, देखते हैं लोड डालने के बाद क्या ये चलेगी या फिर फंस के रह जाएगी। यहाँ पे ये रहा लोड,
यार ये इतना ज्यादा लोड डालने के बाद भी देखो बहुत स्मूथली चल रही है। अब यहाँ से मैं इसको टर्न करा लेता हूँ। अब जिगजैग रोड के ऊपर से मैं इसको ऊपर चढ़ाने वाला हूँ। यहाँ सामने के टायर तो इसके काफी इजीली ऊपर चढ़ गए थे। अब मैं इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये आगे नहीं चल रही है। दोस्तों एक बार उठा के देखते हैं। इसके गियर बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आने लग रही है। मेरे को लगता है गाइस इसका गियर बॉक्स कम्प्लीटली जल चुका है। अब मेरे को नहीं लगता ये इससे ज्यादा ऊपर तक चढ़ पाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ ये अशोक लेलैंड का मॉडिफाइड ट्रक बचा है। देखते हैं ये कितनी दूर तक चलता है। बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाइड कर दिया है यार। इसका सस्पेंशन देखो कितने मस्त तरीके से काम कर रहा है भाई। मेरे को तो नहीं लगा था कि ये इतनी दूर तक भी आएगा। ओ भाई ये तो स्पाइक्स के ऊपर से भी काफी स्मूथली चल रहा है यार। ये देखो यहाँ तक ये पहुंच चुका है। मजा आ गया इसको देख के। अब इसके अंदर ये सारा का सारा लोड मैं डालने वाला हूँ गाइस। ये लो भाई ऑलमोस्ट आधा ट्रक जो है लोड से फुल हो चुका है। अब मैं इसको चला के देखने वाला हूँ ये चलता है या फिर रुकता है। ओ भाई काफी पावरफुल ट्रक है यार ये तो। मॉडिफाइड करने के बाद इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है गाइस। यहाँ से टर्न करा लेते हैं यार। ये बहुत लंबा वाला ट्रक है देखो, इस वजह से इसको टर्न होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब गाइस इतने ढेर सारे वेट के साथ इसको ये बड़ी सी चढ़ाई के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको चढ़ा दिया है। अरे बाप रे इसकी पावर तो देखो यार कितनी ज्यादा है। इतने ढेर सारे वेट के साथ भी ये इतने ऊपर तक चढ़ चुका है। यहाँ तक आ चुका है गाइस ये। ओ माय गॉड अनएक्सपेक्टेडली गाइस अनएक्सपेक्टेडली अशोक लेलैंड ट्रक यहाँ तक पहुंच चुका है फाइनली। भाई मेरा तो दिमाग हिल गया है। और ये है हमारा विनर और ये चैंपियन बन चुका है गाइस आज के ट्रैक का। तो फिर दोस्तों मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसके ऊपर और बहुत सारा वेट डालकर मैं इसको एक बार चला के देखूं। देखते हैं क्या ये चलेगा या फिर रुकेगा। ये देखो यार ये इतना ढेर सारा वेट लेकर भी बहुत ज्यादा स्मूथली चल रहा था। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको आज की वीडियो में कौन सा ट्रक या फिर कौन सी कार सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। पहला नाम है सोमेश, अनुज, अलियान, लैरी, साइकत, निहाल, शाहनवाज, शशि, पुसान, सिद्धांत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।